पहला ही सवाल व्हाई द इन्वेंशन, व्हाई दिस पर्टिकुलर डिजाइन, एक नॉर्मल पिकअप से क्या डिफरेंट है इसमें, वो नॉर्मल पिकअप से अलग कैसे है, लुक्स, स्पीड, टेक्नोलॉजी। सो साइबर ट्रक के बारे में काफी हाइप बनी हुई है एंड हम उसे कैसे छोड़ दें। सो डिजाइन रिलेटेड आज साइबर ट्रक के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। हमारे साथ है मिस्टर राजेश भोसले। सो सबसे पहले मेरा पहला ही सवाल, व्हाई द इन्वेंशन? व्हाई द इन्वेंशन, आई फील इलॉन मस्क वांट्स टू चेंज एवरीथिंग व्हिच इज वेरी यूजुअल एंड पीपल डोंट थिंक अबाउट दैट कि इसमें आप इन्वेंशन कर सकते हैं, वो चीजों बदल के दिखा देता है। जैसे कि आपने सही बोला, ये पिकअप ट्रक है। पिकअप ट्रक जैसे कि हमारा, हम देखते हैं एस, छोटा हाथी, इससे ऊपर का सोच ही नहीं पाते। करेक्ट। तो ही वांटेड समथिंग व्हिच इज लुक्स में भी बहुत अलग हो, परफॉर्मेंस में भी अलग हो। सो इट इज लाइक समथिंग इलॉन मस्क गिरी बोलते हैं। तो सबसे पहला वही डिस्कस करते हैं, एक नॉर्मल पिकअप से क्या डिफरेंट है इसमें, कोर फीचर्स क्या है सर? प्रवीण, कोर फीचर्स की बात करें कि वो नॉर्मल पिकअप से अलग कैसे है, एक तो उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी, लुक्स, स्पीड, द टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर, जैसे वो दिखता है से लेके जैसा उसका परफॉर्मेंस है। ऑफकोर्स इंडिया में 55 लाख का पिकअप ट्रक लेना बहुत मुश्किल, अपने को डाइजेस्ट करना है, लेकिन इवेंचुअली लोग इसे एज ए, मुझे ऐसा जो लगता है कि जैसे अभी महिंद्रा का थार को लोग अपना एक स्टाइल सिंबल्स या रिकग्नाइजेशन करते हैं कि हम रोबस हैं, वी कैन गो 4x4 राइड, वैसा वो ट्रक के साथ लोग रिलेट करने लगेंगे, क्योंकि उसका जो पीछे का कैरी, हम कैरी डिक्की जो बोलते हैं, उस जो कैरी है उसे पूरी तरह बंद किया जा सकता है और वो टोटली टू सीटर कार हो सकती है। सो डिजाइन पे आते हैं थोड़ा उसका। सो आप जो बोल रहे हैं कैरेज है उसका पीछे एंड ऑब्वियसली ड्राइविंग कैबिन होगा, सो ये इसका टोटल साइज ऑफ पिकअप ट्रक क्या है? इसकी लंबाई और विड्थ प्रवीण, ये जो नॉर्मल आज के तारीख में पिकअप्स हैं इंडिया में अवेलेबल, जैसे एस या मारुति का जो नया पिकअप कैरी आया है, उसी साइज के हैं। लगभग 13 फुट टोटली जाते हैं, एक 7-8 फुट का कैरी है उनका पीछे का जो ट्रॉली रहता है, और सामने से जो 1.2 मीटर यानी कि 4.5 फुट जो फ्रंट है वो उतना ही है, लेकिन फिर भी वो अगर एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करें तो थोड़ा सा छोटा ही नजर आएगा एलोन मस्क का, क्योंकि उसका जो शेप है वो एरोडायनेमिक है, वो एक रेक्टेंगल शेप है, ऐसा शेप का उन्होंने दिया, और उस जो कैरी को एनक्लोजर है वो भी रेक्टेंगुलर दिया, एक ट्रस के फॉर्म में उन्होंने शेप किया हुआ है उसे। व्हाई दिस पर्टिकुलर डिजाइन? प्रवीण ऐसा है, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा ट्रक डिजाइन है वो एक्सोथर्मिक स्केलेटन डिजाइन है, यानी कि पहले ये समझते हैं कि इंडियन जो हम कैरी या एस की बात कर रहे हैं वो कैसे डिजाइंड होता है। वो जनरली आपका एक इंजन होता है जो कि पेट्रोल ड्रिवन पिस्टन इंजन है, जो सामने जो ड्राइविंग सीट है जो अपना 4 फुट बाय ऑलमोस्ट 4.5-4.75 फुट का जो ड्राइविंग कैबिन है उसके अंदर रहती है, और पूरा कैरी को चेसिस से कनेक्ट किया जाता है, फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, पीछे के दोनों व्हील्स को खींचा जाता है ट्रॉली जैसे, और सिर्फ व्हील्स सपोर्ट देते हैं टू द एंटायर सरफेस, और उसका कैपेसिटी सारा चेसिस के ऊपर होता है जो नीचे का है। तो अभी ये तो हम समझ गए कि आपने ऐसे देखा भी होगा जब फैक्ट्री से ट्रक या टेम्पो निकलते हैं कि उनके सिर्फ ड्राइवर सीट रहती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो पीछे का पूरा कैरी स्ट्रक्चर है या ऊपर का जो स्ट्रक्चर हम बनवा के लेते हैं बाहर से, वो जो हम कास्ट करके लेते हैं या तो एमएस में या तो फिर कुछ पॉलीथीन शीट्स में हम करवा लेते हैं, ऊपर का जो स्ट्रक्चर ड्राइविंग कैबिन का भी स्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रक्चर एक पत्रे का स्ट्रक्चर रहता है, जो कि वापस जिसका वेट वापस नीचे ही अपने चेसिस पे आता है। तो मेन वेट कैरिंग चेसिस है जिसपे टायर्स है जिसको इंजन खींच रहा है। एक्सोथर्मिक का उल्टा है, एक्सोथर्मिक में पूरा स्ट्रक्चर ही स्केलेटन है,
जैसे अपने बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसका जो ट्रक है इलोन मस्क जो साइबर ट्रक है, वो पूरा स्ट्रक्चर जो उन्होंने कास्ट किया है वो पूरा का पूरा स्केलेटन ऑफ द ट्रक है. इट इज इट डजंट हैव चेसिस, इट इज टोटली कास्टेड प्री कास्टेड एंटायरली वन मोनोलिथिक कास्ट है. सो इसका क्या फायदा है मोनोलिथिक करने का उसके पीछे? मोनोलिथिक कास्ट करने से एक एक जो फीचर्स नेगेटिव फीचर्स हैं जो कैरी के हैं वो सारे यहाँ पॉजिटिव हो जाते हैं. पहले चीज तो वो है. दूसरी फायदा ये है कि मोनोलिथिक कास्ट करने के लिए टेरा कास्टिंग करनी पड़ी इलॉन मस्क को. उसके लिए जो कास्टिंग मशीन उन्होंने इंस्टॉल की उनके जो टेस्ला फैक्ट्री में है, उससे उन्होंने पूरा का पूरा ट्रक एक ही साथ कास्ट करने में मदद होती है. कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से जहां जो एलॉय लगना है या मेटल का जो स्ट्रेंथ चाहिए वो उस हिसाब से डिवीजन हो जाता है उस स्ट्रेंथ का, और वहां वहां वो एलॉय लिक्विड फॉर्म में पोर होके उसे कास्ट किया जाता है. तो ओवरऑल टोटल एक एक्सोथर्मिक स्केलेटन स्ट्रक्चर आता है जिसका मेटल अलॉय का स्ट्रेंथ एज पर रिक्वायरमेंट पहले ही प्रीकास्ट है और विद कंप्यूटर प्रोग्राम से फीड करके. दूसरा पॉइंट उन्होंने एक अच्छी काम की है कि वो जो नीचे का चेसिस टाइप प्रीकास्ट है, जो चेसिस नहीं कहेंगे एक्सोथर्मिक स्ट्रक्चर ही कहेंगे, उसके बीच में उन्होंने बैटरी को सैंडविच किया. तो बैटरी भी उन्होंने खुद की ही डेवलप की है जो कि उसके अंदर सैंडविच हो जाए, यानी कि बैटरी भी चेसिस नहीं कैरी कर रहा है. और इन ए वे उन्होंने बैटरी को भी स्ट्रक्चरल सिस्टम बना दिया है कि दोनों चेसिस के बीच में उन्होंने बैटरी को सैंडविच करके उसे भी स्टेबिलिटी का एक स्ट्रक्चरल सिस्टम बना दिया. उसके ऊपर सिर्फ उन्होंने स्टील अलॉय को उन्होंने ऊपर से शीट कर दिया है, जो शीट मेटल है जिसे आपने कई इलॉन मस्क के वीडियोस में जब इंट्रोड्यूस किया तब उन्होंने हैमर से ब्रेक करते हुए दिखाया जो नहीं ब्रेक हो रहा था. तो उस हिसाब से वो उन्होंने सिर्फ एक स्केलेटन एक्सोसर्मिक स्केलेटन के ऊपर फ्रेमवर्क के ऊपर शीट कर दिया. तो अभी वेट सिर्फ उस स्टील मेटल का है, बाकी कोई वेट नहीं है उस पर. पूरा बॉडी इज स्ट्रक्चरल सिस्टम, सो दैट मेक्स इट मोर फ्लेक्सिबल, दैट मेक्स इट मोर स्टेबल. सो मैं उससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ. अभी सी वी अंडरस्टैंड के इलॉन मस्क और हिज कंपनी इज ट्राइंग टू प्रूव समथिंग इन ट्रक्स, बट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सच थिंग? मतलब जरूरत है भी क्या उस चीज की? ही इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या फिर ही क्रिएटेड द प्रॉब्लम एंड देन ही इज ट्राइंग टू सॉल्व इट? इट इज नॉट टू बी लुक्ड इन दैट वे. व्हाट आई फील इज ही ट्राइज टू give challenge assumptions of human beings. Say you assumed ki rocket cannot be reused, he proved everyone wrong. Right from NASA to Russian space centers to everyone. So he is trying to challenge each and every assumption. अभी हमें किसने बताया था कि चेसिस के ऊपर ही ट्रॉली होनी चाहिए, ट्रक होना चाहिए? That is an assumption कि इसके अलावा कुछ और सोचे ना. लेकिन वो ये बोल रहा है कि structure ही मैंने ऐसे किया है. Of course, the costing is not due to just your exothermic structure. It is due to the engine and technology what he gave. The technology is so much so advanced that it is four-wheel drive. Four-wheel drive is not like four wheels are, two wheels are again attached with chassis. Generally, what do you, when we hear four-wheel drive, what is that? The engine drive is given to all the four wheels, but these two wheels are connected together and these two are connected together. Here he is given four wheels with all the four wheels having a individual power from engine. Yeah. And both can move, all the four could move in its way. They could be adjusted as you require and they have such good sensors that you can have the spin which you see in Fast and Furious. Correct. Movies, which they do with the car and CGI and effect and everything, that could be achieved with that truck. So you would definitely go uski zarurat nahi thi, but that is a fun to drive. And secondly, point ye hai ki jab hum steep turns pe rehte hain
तो आप जो कैरी अलग होता है और इंजन अलग होता है, आप देखते हैं कि मुड़ते समय कभी कभार स्टीप टर्न्स में वो अचानक पूरा उसका जो फेस है, जो इंजन है, वो पूरा कैबिन मुड़ जाता है लेकिन कैरी मुड़ नहीं पाता ढंग से, तो टर्निंग रेडियस बड़े हो जाते हैं। इसमें तो उसको डायमंड मूवमेंट है हमारे जो टायर्स है उनको, डायमंड मूवमेंट यानी कि आपको ये जो दो टायर्स है, ये टायर आगे जाएगा तो ये टायर पीछे आ सकता है, ये टायर आगे आके ये पीछे आ सकता है, वो सेंस अपने आप वो टर्न के हिसाब से टायर्स कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आप 360 स्पिन दे सकते हैं। इनफैक्ट पार्किंग प्रॉब्लम्स भी काफी सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि टायर किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। एंड टर्निंग का तो आपने बताया, इलेक्ट्रिक का आपने बैटरी पैक की बात कही, एंड टेस्ला इज ऑलरेडी प्रूवन कि उनका हिस्ट्री काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो कार के बाद ट्रक पे आने का क्या मकसद हो सकता है? अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, ये हम कैरी ट्रक देख रहे हैं, मुझे लगता है अब्रॉड में कैरी ट्रक्स आर यूज्ड इन देयर विलेजेस बाय फार्मर्स वेरी ऑफन, एंड नाउ एज इकोनॉमी ऑल ओवर वर्ल्ड हैज इंक्रीज एंड अबंडेंस इज देयर, पीपल विल यूज दिस ट्रक एज कार आल्सो बिकॉज इट इज नॉट पेंटेड, इफ यू सी इट शोज इट्स अ मस्कुलर ट्रक, सो व्हेन इट इज क्लोज्ड यू कैन से मस्कुलर कार, ही सेज इट्स साइबर ट्रक। If you see the lights, it's like an some Eurospace जैसे ship जैसे उसका lights है, उसका light भी एक rhythm में है, पीछे का भी light rhythm में है। अगर वो हमारे डोंबिवली थाना या मुंबई में जाए तो लोग Mercedes छोड़ के वो truck देखेंगे for sure. So how would you say कि India में नहीं चले? Rather तो नहीं, India का तो मैं अभी तक imagine में नहीं कर रहा था, but obviously the point you said right कि एटलीस्ट फॉरेन कंट्रीज में ओनिंग अ ट्रक इज नॉट शेम, यस, इनफैक्ट पीपल से कि हां ये तो अच्छा है, वाओ। नहीं, यू जनरली हैव फार्मर्स और पीपल वर्किंग हैविंग स्मॉल बिजनेस जनरली हैव ट्रक देयर एंड पीपल आर नॉट अशेम्ड ऑफ हैविंग एंड ड्राइविंग ट्रक, सो इट्स अ गुड दैट दे हैव अ लग्जरी ऑफ हैविंग अ गुड ट्रक नाउ, द ऑप्शन ऑफ ट्रक्स आर आल्सो गुड, मोर ओवर इफ दे वांट टू गो समवेयर फार carrying some luggage and they don't want that luggage to get wet by rain, snow or heat or cold, they can just close that. That was a very genius invention, I would say. Now you imagine, for round about 70-80 years we have been making vehicles, trucks and everything, maybe more, but more of the quantity and commercialization has happened last 70 years. But no one thought about carry small truck and closing that with an automated slider. It is an same slider which is used in same kind of structure which is used in modular kitchens. You have a top unit which has been slided, rollers. The same rollers are there which just smoothly roll inside, and they with a button they smoothly roll out. And when the rollers are complete, you can stand on that rollers. So that strong that rollers are. So you can keep your luggage and you can travel for long distance. You said कि उसका जो shape था वो कुछ ऐसा triangular shape है. Correct. So उसका जो carrying capacity है, जो capacity of loading है, वो कम है क्या normal mini truck से? नहीं, इनफैक्ट बढ़ गया है शेप की वजह से भी, और मैंने जो आपको स्ट्रक्चरल इसके वजह से बोला, लेकिन उसके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस अभी तक बाहर नहीं आए हैं, लेकिन बढ़ काफी गया है क्योंकि उसका रीजन और एक है, हमारा कैरी होता है, हमने वजन ज्यादा दिया तो क्या होगा, ये इधर से ऊपर आ जाएगा, यहाँ अगर मैंने हाथी चढ़ा दिया छोटा एक्चुअल हाथी में तो वो ऐसे हो जाएगा आपका, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें सिर्फ चेसिस नहीं, पूरा बॉडी ले रहा है वेट, तो यहाँ पे वेट हम ज्यादा डाल सकते हैं जबकि ऊपर नहीं आएगा। करेक्ट, तो दैट इज द मेन रीजन। मैंने एक इलॉन मस्क की वीडियो में देखा था कि वो उसका कांच किसी बॉल से तोड़ने की कोशिश करे, वो एक्चुअली टूट जाता है। सो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? एक्चुअली इलॉन मस्क वाज डिस्प्लेइंग हिज साइबर ट्रक फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने स्टेज के ऊपर पहले तो हैमर से डोर तोड़ के दिखाया किसी नॉर्मल अच्छे ट्रक का, ही डिड नॉट नेम द ब्रांड एंड दैट ब्रोक, बट उसका ट्रक नहीं टूटा क्योंकि इट वाज एन कंप्लीट स्टील अलॉय, बीइंग स्टील अलॉय ही डिड नॉट पेंट इट, इट वाज रॉ मेटल,
दैट रॉ फीलिंग इज देयर, डेंट भी नहीं आया, टूटा तो अलग बात है। दूसरा फिर उन्होंने कांच की कोशिश की, बट उससे पहले उन्होंने कांच को डिस्प्ले किया कितना स्ट्रांग है। उन्होंने एक बॉल लगभग 3-4 फुट के हाइट से डाला तो किसी और ट्रक का कांच टूट जाता था, उनका नहीं टूटा। फिर उन्होंने हाइट बढ़ा के 12 फुट की, फिर 16-18 फुट की, और फिर बॉल गिरा तो भी नहीं टूटा, स्टील का सेम बॉल। लेकिन वही सेम बॉल जब उनके एक कलीग ने मारा कांच पे तब टूट गया। तो तब इलॉन मस्क ने एक्सपेक्ट नहीं किया था टूटेगा। एक्चुअली बाद में एक्सप्लेनेशन ऐसे आया उनकी तरफ से कि शायद जब उसने उस शटर को जोर से हैमर किया था तो थोड़ी सी कांच नीचे हो गई थी, तो नीचे होने के कारण उसको फुल ग्रिप नहीं मिला और वो टूट गया। उसके बाद एक वीडियो उन्होंने वापस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने वो बॉल वापस मारा है और टूटा नहीं है कांच, जब उन्होंने कांच पूरा लगाया। एंड ऑब्वियसली इंप्रोवाइजेशंस उसके बाद भी किए होंगे। बराबर, करेक्ट। सो आई कम टू डिजाइन एस्पेक्ट अगेन, व्हाट यू थिंक इज द मोस्ट यूनिक पार्ट अबाउट द साइबर ट्रक जो कि काफी रिवॉल्यूशनरी है फॉर दिस इंडस्ट्री? See, first of all, I feel everyone will be proud to have truck. See, people with small SMEs who have money and have capacity to have truck but feel ashamed to travel in truck, there are two things. First is feeling ashamed, second is comfort, and third is looks. We have not been thinking about anything of advancing technology or shape. In spite of availability of technology in auto rickshaws, the auto rickshaws are been same since I suppose 20, 30, 40 years. Yes. There is no even the emulsion of the pollutant from the auto rickshaw has been same, except now they are converted into CNG. Correct. Baki the way, the experience, shock absorbers are pathetic. Similarly with the carry truck, you are not thinking about the innovations there. So the innovations are happening everywhere in phone. I don't know, जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है फोन में। आज एक महीने में एक कैमरा आता है तो अगले महीने में हम सोचते हैं कि अपग्रेडेड आ जाएगा। पीपल आर अनॉयड कि अभी तक एप्पल का नया वर्जन क्यों नहीं आया, 15, 16 कब आएगा। सो वाई नॉट दैट इन ऑटो रिक्शास कैरी ट्रक, इफ यू गिव एंटरप्रेन्योर्स अ गुड कैरी ट्रक विथ एन कम्फर्ट ऑफ ड्राइविंग, a good feeling when you sit inside, it is a definitely very good thing to have. Mera ek basic wapis mein ek question pe mera dimag ye aa raha hai ki basically it is a truck, right? I understand ki usko fir aur purpose ke liye bhi utilize kiya ja sakta hai, but investing so much in a truck kuch zyada amount nahi hoga? See, investment in so much in mobile also zyada amount hai. You cannot reason why things are been they, पैसे को आप चीजों से एक्चुअली नहीं गिन सकते क्योंकि देर आर बायर्स फॉर इट एज इट वी हैव बीन प्रूव्ड। नहीं तो लोग आई सपोज होंडा सिटी ऑल्सो गिव्स ईच एंड एवरी कम्फर्ट विच मे बी मर्सिडीज गिव्स। सो द इंजिन जो अच्छा है उसमें जो फर्क है वो इंजिन का है, ब्रेकिंग सिस्टम्स का है, जो थोड़ा बहुत फर्क है जो कि किसी को भी समझता नहीं है जो दोनों चलाते हैं। सो इट इज मतलब बहुत कम लोगों को मालूम है एंड वेरी फ्यू पीपल बाय इट फॉर द रीजन ऑफ इंजन। बहुत लोग तो स्टेटस सिंबल एंड ब्रांड सिंबल समझते हैं। सो ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग एज अ ब्रांड सिंबल। अगर इफ यू ओन एन टेस्ला ट्रक इट इज अ ब्रांड, आई से एंटायर मुंबई विल लुक टुवर्ड्स यू। सो दैट इज बीइंग अ ब्रांड, इट विल सेल। सो अभी मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाता हूँ फिर से। आई नो टेस्ला कार्स बहुत ज्यादा इंडिया में आ नहीं पाई है, बट इफ पॉसिबिलिटी जो है मतलब अगर इंडिया में आ सकते हैं टेस्ला प्रोडक्ट्स, देन व्हाट यू सी द फ्यूचर ऑफ साइबर ट्रक इन इंडिया? आई फील इट विल बी अ बिग हिट बिकॉज इट इज अ 4x4 ड्राइव, 4x4 ब्रेकिंग सिस्टम एज वेल। द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग वुड बी वेरी फैबुलस, नॉट इक्विवेलेंट टू एनी कार राइट नाउ हियर। मोर ओवर it is the braking system are not hydraulic brakes, they are electrical brakes. Even in electrical car we use hydraulic brakes. The hydraulic brakes are the brakes which are you apply brake and hydraulic piston fluid
goes to the braking system and it applies there. Here it is an electronic sensor based computerized brake. So it knows which tire to when brake. Say while turning, it understands ki brake kitna lagna hai kaun se tire ko taki it turn smoothly aaye. उसी तरीके से स्पीड लेने के लिए भी वो सारे इंजिन्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं और वहां मोटर्स हैं जो सेंस कर रहे हैं एंड दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि इस टायर को पहले जाना है, बाद में जाना है, रिवर्स आना है, सब कुछ. इनफैक्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक होने से काफी सारे एडवांटेजेस अनलॉक हो जाते हैं जो हम कर सकते हैं एक सेमी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन से. जैसे आप ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, करंट टेक्नोलॉजी में भी ABS और EBD है जो कि नियर अबाउट सेम ही काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेक्स, बट स्टिल ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल बोथ टुगेदर. सो उसके फेल होने के या फिर नहीं ढंग से काम करने के चांसेस उतने है जितने कि इसके नहीं है. सो ऑब्वियसली मतलब फुल्ली इलेक्ट्रिक होने के एडवांटेजेस आई थिंक दे आर रियली ग्रेट, बहुत है. और दूसरा प्रवीण, आप देखिए ना उन्होंने कितने छोटे छोटे असम्पशंस पे काम किया है. हमने हमेशा जब हम कैरी ट्रक देखते हैं उनका, जब वो पीछे का शटर नीचे करते हैं और सामान भरते हैं तो हमेशा हमें तकलीफ होती है एक हाइट से सामान वो 30 इंच या 40 इंच तक उठाने में, बराबर है, या कोई भी सामान लेके जाने में. उन्होंने क्या किया है, ये जो पीछे का ट्रॉली है वो नीचे करके उसके अंदर एक स्लीपर ड्रैगिंग सिस्टम किया, खींच के एक रैम बना सकते हैं और वो रैम इतना स्ट्रांग है कि उसके ऊपर से सामान चढ़ा सकते हैं. अभी आपको ये फैसिलिटी कितने काम में आएगी कि सामान नीचे है उसको व्हील्स लगा दिया, ट्रॉली से खींच लिया ऊपर, जहां चार आदमी काम कर सकते थे जो मैनुअलिंग के लिए, वहां एक या दो आदमियों से काम हो गया. अभी हमारा सबसे ज्यादा कॉस्टिंग जाता है जनरली वो सामान नीचे उतार के कहीं कारखाने में रखने में, उसी में लेबर ज्यादा जाता है जो हम माथाड़ी लेबर्स वहां लगाते हैं. ये मैनुअलिंग और जो रैम की वजह से बहुत आसान हो गया. फिर वापस कारखाने से वापस हमको लोड करना पड़ता है कहीं और जाने के लिए, और वापस वहां पे भी अनलोड करना पड़ता है. सो ये टाइम और पैसे का दोनों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया. और ये छोटी सी ही चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी, और पहले सब में होनी चाहिए. जबकि वो सोच नहीं रहे, बस वही है. मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं कि आप ट्रक ऐसे ही होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है. आप हर चीज को अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्व करने का देखिए, मतलब ये प्रॉब्लम तो हमें कितनी बार आई है कि सामान ट्रक में रखने के लिए उठाना पड़ रहा है, हम सामान वहां तक लेके जाते हैं फिर किसी को बुलाते हैं और उठवाते हैं. तो ये प्रॉब्लम तो हमें मालूम थी, तो इसका सलूशन क्यों नहीं आज तक डिजाइन हुआ? बिकॉज मे बी शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या फिर बाकी ट्रक्स के कॉन्टेक्स्ट में दैट प्रोडक्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि उस पर उतना ध्यान दिया जाए. मे बी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, इनफैक्ट AC भी नहीं होता है केबिन में, कुछ भी फैसिलिटी नहीं होता है स्पेशल के, जो कार्स में बहुत भर भर के देते हैं हम लोग. बराबर है, आप ये पॉइंट तो बराबर बोल रहे हो, लेकिन आप सोचिए इवन हमारे कारों में हम कभी शिफ्ट कर रहे हैं या हम सुबह सुबह गांव जा रहे हैं तो भी डिक्की तक रखने के लिए वो उठाने के लिए किसी का मदद लेना पड़ता है, या कभी कभार बहुत वजन है तो इसमें अगर रैंप हो तो एक अकेला आदमी भी उसे पुश कर सकता है या व्हील्स से सुटके से खींच सकता है. आप उसके ऊपर तो चढ़ ही सकते हैं, जब आप उस शटर के ऊपर चढ़ सकते हैं तो ट्रॉली के ऊपर तो आराम से बैठ चढ़ सब सकते हैं. इट हैज अ ट्रेमेंडियस वेट कैपेसिटी. तो ये तो छोटा सा इनोवेशन का थॉट था कि हमें इसे चेंज करना. एंड वन ऑफ द थिंग्स, वापस एक वीडियो में मैंने देखी है कि उसको एक सुपर कार के साथ भी उसको चला के देखा गया, उसका स्पीड कंपैरिजन कर रहे थे. सो उसका स्पीड क्या अटेन करने की कोशिश? प्रवीण, स्पीड ऑफ साइबर ट्रक वुड बी अराउंड अबाउट 200 किलोमीटर्स पर आवर. अभी तक उन्होंने एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए, 190 टू 200 होगा. लेकिन उसका पिकअप स्पीड इज फास्टर देन पोर्शे. व्हेन दे रेस्ड विद द लेटेस्ट पोर्शे, सो इट इज फास्टर देन पोर्शे. So that is more than enough for us.